हेलो दोस्तों, हैप्पी नवरात्र, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की रेसिपी हम बनाएंगे सिंपल तरीके से आलू मटर की सब्ज़ी। अब मटर ख़त्म होने वाली है बाज़ार में, तो इससे पहले बना लीजिए बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, हम ले रहे हैं सरसों का तेल, फटाफट से बनाता हूँ, वीडियो बहुत छोटा बनाया है मैंने। यहाँ डालेंगे जीरा और डालेंगे इसमें सूखा धनिया, इसको होने देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हम उस पेस्ट को भूनेंगे, बहुत सिंपल तरीका है बनाने का और खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। अदरक और लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे दो प्याज पीसे हुए हैं, इसको भी डाल देते हैं और इसे भी भूनेंगे। तो देखिए, पेस्ट हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे हरी मिर्च है, उसको भी डाल देते हैं। ये मैं डाल रहा हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए, ये तीखी मिर्च नहीं है, इससे अलग ही टेस्ट आता है सब्ज़ी में। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ मैंने दो टमाटर पीसे हुए हैं, अब इसको भी फ्राई करेंगे करीब 1 से 2 मिनट तक, चलाते रहिएगा। तो देखिए, तेल छोड़ चुका है मसाला और सारे पेस्ट अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेते हैं, और अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। और कोई भी मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये नॉर्मल मसाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं हर किसी के, और इनसे सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो अब यही समय है, इसमें डाल देंगे मटर। तो मटर मैंने 1 किलो ली हुई है, छीलने के बाद थोड़ी कम हो गई है। मटर के साथ साथ इसमें आलू भी डाल देते हैं। तो ये छोटे छोटे आलू थे, मैंने इनको बीच से काट लिया है। अगर आप चाहें तो सूखी सब्ज़ी रखने के लिए तो पानी का कम इस्तेमाल करें, हमें चाहिए ग्रेवी वाली, तो हम रसेदार सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। इतना पानी काफ़ी है। अब नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और एकदम स्लो आंच पे इसे 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे ढक के। तो इसे ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमने इसे पकाया। हमने गैस तो कर दिया है बंद, देखिए तेल एकदम ऊपर आ चुका है और सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। तो इसमें अब डालेंगे हरा धनिया, मटर एकदम गल चुकी है, और मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा इससे पहले कि मटर ख़त्म हो जाए। हरी मटर का सीज़न अब जा रहा है, इसे पूरी के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ कैसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी सपोर्ट अपना बनाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत पूरा वीडियो देखने के लिए।